तर मित्रांनो, नवीन ब्लॉगमध्ये तुमचं स्वागत आहे सर्वांचं। तो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में स्वागत है। अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हो चुकी है नासिक में और बहुत ही सुनहरा मौसम है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हो कि अभी मैं जा रहा हूँ थोड़ा नासिक में एक राउंड मारने के लिए। कोई मोटो व्लॉग किया नहीं था तो मैंने सोचा कि चलो एक मोटो व्लॉग करते हैं। अच्छा मौसम है, बहुत ही बढ़िया मौसम है। गोल्डन कलर हो गया है। दोस्तों, यह इंस्टा 360 का अभी तक मेरा ट्रायल ही चल रहा है क्योंकि अभी तक तो मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। ये मेरे ट्रायल अभी चलेंगे क्योंकि लास्ट टाइम आपने देखा था कि मैंने ये यहाँ पे माउंट किया था कैमरा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो शेक हो रहा था कैमरा, इसलिए वो फुटेज तो अच्छा आया, उसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ही अच्छा वर्क करता है इंस्टा का, लेकिन वो नाइट में शूट होने की वजह से इतना समझ में नहीं आ रहा है क्वालिटी। उसका व्लॉग तो मैंने डाला है, लेकिन अभी ये जो है ये टाइमिंग में फर्स्ट टाइम मैं शूट कर रहा हूँ, तो ज़्यादा हार्श लाइट भी नहीं है और ज़्यादा डल भी नहीं है। इसका क्वालिटी देखेंगे एक बार, क्योंकि इंस्टा 360 में जो है बहुत ही ज़्यादा अगर हार्श सनलाइट है तो बिल्कुल उसको ये नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाता है स्काई, कुछ भी डिटेल्स नहीं, पूरे डिटेल्स वैनिश हो जाते हैं वहाँ से। अभी ये जो है ये टाइमिंग में कैसे शूट हो रहा है वो देखेंगे अभी का क्वालिटी, क्योंकि अभी ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, तो अभी ये शूट कैसा हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। इसका कलर्स कैसे आते हैं, ये टाइमिंग में मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम ही शूट कर रहा हूँ, तो देखते हैं कैसा क्वालिटी आता है इसका। लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि जो है वो 360 कैमरा होने की वजह से वो एक्शन कैमरे जितनी क्वालिटी नहीं दे पा रहा है, मतलब जो क्वालिटी GoPro देता है वो क्वालिटी तो वो नहीं दे पा रहा है, क्योंकि उसका जो ये डिस्टेंस का जो ये रेंज है उसका वो बहुत लिमिटेड है। GoPro में आपने देखा होगा तो दूर का भी जो है, लॉन्ग डिस्टेंस का भी जो है वो क्लियर दिखता है, लेकिन इंस्टा में जो है दिक्कत क्यों आ रहा है इसका, क्योंकि वो वर्टिकल कैमरा है। तो वर्टिकल में क्या होता है कि जब भी हम लोग वो कैमरा ऐसा करता है तो हम लोग ऊपर करते हैं तो व्यू ब्लॉक होता है। तो अभी मैंने नीचे किया है कैमरा लास्ट टाइम जैसे हम लोगों ने किया था, तो जैसे उसमें थोड़ा दिक्कत ऐसा होता है कि वो कैमरे में क्या शूट हो रहा है, क्या एंगल है, वो हम लोग नहीं देख सकते, वो नीचे है। तो जब भी फाइनल होगा तभी समझेगा कि उसमें शूट कैसा हुआ, क्या हुआ है, देखते हैं। अभी जब भी PC पे फुटेज लेके जाएंगे तभी समझेगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, और इंस्टा 360 1X2 में मुझे और एक चीज़ जो देखने मिली वो ये है कि
इसका जो बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब कंटिन्यूस तो मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया है कैमरा, एक बार मुझे वो भी टेस्ट करना है कि कंटिन्यूस जो है ये कैमरा कितने देर तक शूट कर सकता है। मतलब मोटो व्लॉगिंग के लिए तो कम से कम मुझे इसका 4 बैटरी बैकअप चाहिए, 4 बैटरीज एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तो वो दिन भर मेरे ख्याल से वो शूट करेगा, तो वो भी थोड़ा सा एक मुझे प्रॉब्लम लगा इसके बैटरी में। कंटिन्यूस कितना शूट करता है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग ये मेरा ऐसा एक अंदाजा है कि ये फुल चार्ज अगर उसका बैटरी करके हम लोग शूटिंग को निकले तो लगभग आधे घंटे का शूट करेगा मेरे ख्याल से, आधे घंटा या एक घंटे का शूट करेगा, एक घंटे का करेगा कंटिन्यूस शूटिंग में, एक घंटे का आराम से शूट कर देगा। मधुबाला शूटिंग चालू से वाजी से नहीं कंटिन्यूस एक कलाक नु शूटिंग करतो असे के आपले गणपती विसर्जन नु करे तू फुल चार्ज करीने तो गणपती विसर्जन नु एक कलाक थयो असे ने आराम से पूर्ण पूर्ण शूट की जास्त थयो असे। हां बरोबर बरोबर, कारण आपने कंप्लीट 10 व्लॉग करे तो ने कि तेन में मिक्स करे तो भाई पुण्य के वे होते आम तो आपनो 30 मिनट न होय तो ने ते गणपति विसर्जन 30 मिनट नो व्लॉग से ने 28 मिनट नो दोस्तों। ये है हमारा नासिक का कॉलेज रोड सिग्नल, ये सामने आप देख रहे हो वो है BYK के कॉलेज, अभी आपको इतने लाइट में नहीं दिख पाएगा लेकिन ये BYK के कॉलेज है। उसके आगे फिर ये आर्ट, ये कॉमर्स का कॉलेज है, उसके आगे है फिर HPT एंड RYK के, वो आर्ट्स और साइंस का कॉलेज है। नासिक का एक बहुत ही जाना माना फेमस रोड है कॉलेज रोड।
ब्लॉग में मुझे मिक्स लाइट का फुटेज देखने को मिलेगा और मज़ा आएगा। बहुत ही बड़ी लाइन है ट्रैफिक जाम की और बहुत ही बेकार रोड की हालत, उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक जाम हो जाती है। अभी आप देख सकते हो ये रोड की हालत कितनी बढ़िया है। कि नासिक में अलग अलग मतलब फेमस स्पॉट पे घूमने के जो भी फेमस स्पॉट है वहाँ पे घूमने की तो दोस्तों मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ मेरे घर पे और घर पे हमारा स्वागत कैसे होता है आप देखो जरा। ये हर टाइम अपने ही इंथुजियास्टिक हमारा स्वागत करता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है कोई भी बाहर से घर पे आता है। अभी आप देखेंगे ये देखिए कैसे नाच रहा है। स्टॉप रिकॉर्डिंग। लियो बाय। आप देख सकते हो कैसे देखा है खुश। स्टॉप रिकॉर्डिंग।